मार्च के टॉपिक से तो मैंने सोचा कर। तो लिब्रा जो हमने देखा था लास्ट टाइम वो ऐसा था कि एक तो कोल्ड रीजन है, ऑल अबाउट अदर पार्टनर, अदर रिलेशनशिप, पहली बार आपका दूसरे में इंटरेस्ट जाग रहा है। सो तुमको जब लिब्रा बहुत स्ट्रांग मिले किसी चार्ट तो क्या होएगा? लिब्रा बहुत स्ट्रांग मतलब इन द सेंस तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं लिब्रा में, या राहु बैठा हुआ है लिब्रा में, ठीक है। सो नेचुरली वो व्यक्ति क्या होएगा, वो व्यक्ति दूसरों को देख करके बहुत सीखता है। मतलब कि उसका इंटरेस्ट, अरे ये ऐसा चलता है, अरे वो वैसा देखता है, अरे वो ऐसा उठता है। और ये एक बहुत नेसेसरी क्वालिटी हो जाता है लिब्रा का, ठीक है। लिब्रा इन द सेंस कि लिब्रा देखता रहता है कि अरे वो व्यक्ति ऐसा, जैसे कि अब मैं बताऊं, मेरे को तीन प्लैनेट लिब्रा में, तो तीन प्लैनेट लिब्रा, जुपिटर, वीनस और राहुल, तीन प्लैनेट लिब्रा में हूं। इसकी वजह से क्या होता है, मेरा टेंडेंसी है कि बचपन से ही दूसरे का हाथ देखना, दूसरे की चाल देखना, दूसरा चलता कैसे है, उठता कैसे है, खाता कैसे है ना, यहां तक मतलब पता है कि मंगल अगर दूसरे घर में है तो ऐसा व्यक्ति प्लेट चाट के खाता है। चाट के मतलब उसके प्लेट में दाना नहीं बचेगा, वो ऐसा खाना खाएगा। मंगल चलता है तो वो व्यक्ति मतलब मंगल चलेगा तो ऐसा चलेगा जैसे कि मिसाइल दौड़ रही हो, और वही शनि चलता है तो चप्पल घिस के चलता है। दोनों के मतलब इतना है कि वो देख करके समझ में आने लग जाता है, और ये ऑब्जर्वेशन टेंडेंसीज आपको लिब्रा देता है कि लिब्रा का अब इंटरेस्ट दूसरे में है। हाँ जी, आने वाला क्या बोला आपने, मार्स वाला? मार्स जब सेकेंड हाउस से एसोसिएटेड होता है ना, ऐसा व्यक्ति प्लेट चाट ही खाता है, मतलब समझ रहे हो, वो खाना खाने के बाद ऐसे कांचेगा पूरा कि एक भी दाना बचे नहीं, और उसके बाद खाना खाता, उसके बाद वो खत्म करता है, उसमें बिल्कुल भी वो दाना छोड़ेगा नहीं। और यही शनि हो दूसरे घर में एसोसिएटेड तो ऐसा व्यक्ति खाना छोड़े बिना नहीं उठेगा। मंगल जब खाना बनाएगा तो बस वो तो कुकर में सारी चीजें चढ़ाई, एक बार सब कुछ ठूसा और बस भागो, ठीक है। और शनि जब खाना बनाता है तो वो धीरे धीरे आराम से एक एक बार वो सॉटे करेगा, उसको साइड रखेगा, फिर दूसरा चीज सामान डालेगा, उसका सब पर्सनैलिटी बनता है। तो उठने बैठने में, सोने खाने पीने में, सब जगह वो अपना पर्सनैलिटी लाता है, और ये लिब्रा देख सकता है, उसको देखने का एक गुण मिला हुआ है, वो बारीक से बारीक चीजें देख सकता है। और वो उसकी खासियत क्यों है, क्योंकि आप देखो एक बारीक मतलब एक स्कॉर्पियन चीज है जो है ना उसकी आंखों में बैठ, उसके सेकेंड हाउस में स्कॉर्पियो है, और स्कॉर्पियो अभी नहीं समझे लेकिन स्कॉर्पियो का एक एटीट्यूड होता है कि वो गहराई में चीजें देख सके, वो दो देख सके जो चीज उसके बियॉन्ड है, समझ रहे। तो ये सब पर्सनैलिटी जो होती है ना वो लिब्रा की वजह से आती है। लिब्रा के अंदर वो क्वालिटी है कि वो दूसरे को देख करके समझ जाता है। लिब्रा, अब ये समझो कि लिब्रा में वर्गो नहीं, समझ रहे हो, वर्गो नहीं है, पाइसिस में नहीं है। तो एक तो मैंने तुमको समझाया था कि वर्गो अकेला नहीं है, सॉरी लिब्रा अकेला नहीं है, लेकिन वर्गो लिब्रा में लड़ाई भी नहीं है। तुमने ये हमेशा सुना होगा कि ये व्यक्ति डिप्लोमैट है, डिप्लोमैट है, डिप्लोमैट एक्चुअली लिब्रा का एक पेटेंट शब्द है, और इसलिए है क्योंकि इसके लड़ाई झगड़े के साइंस, यानी कि जो एरीज है पहला लड़ाई झगड़े का साइन, वो सेवेंथ हाउस में, वो है ही नहीं, मतलब सेवेंथ हाउस में तो दूसरे जगह है, वो उसके पास नहीं, सेवन लगन से नहीं एसोसिएटेड है, उसके पास नहीं। उसके बाद जो वर्गो का साइन है वो ट्वेल्थ हाउस में चला गया है, जो लड़ाई झगड़ा कराता है, जो एनिमीज है, तो इसके तो ना शत्रु है, कोई शत्रु नहीं है। और पाइसिन जो सिक्स हाउस है वहां पे पाइसिन बैठा हुआ है, वहां पे भी एक सौम्य राशि बैठी हुई है, तो लड़ाई, इसीलिए लिब्रा एक ऐसी कंडीशन बनाता है जहां पे विन विन सिचुएशन हो कि तुम्हें भी लाभ हमें भी लाभ, दोनों ही स्थितियों में हम दोनों को फायदा हो, ऐसा स्थिति क्रिएट करता है। इसीलिए यहाँ पे इनको डिप्लोमेटिक बोला गया है। डिप्लोमेटिक मतलब कि समझ रहे हो कि वहां पे व्यक्ति किसी एक के जीतने की बात नहीं कर रहा है, दोनों के जीतने की बात कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस समाज। और यही टेंथ हाउस में कर्म है, टेंथ हाउस में देखो कर्म क्या मिला हुआ है, कैंसर का मिला है, यानी कि लिब्रा का कर्म है शांति फैलाना, व्यक्ति शांति फैलाए, शांति रखे, दंगे फसाद नहीं कराने का, ये लिब्रा का कर्म है। सब कुछ प्रेम पूर्वक सौम्यता से हो जाए, ये कर्म है लिब्रा का। तो
इस भांति तुम देख रहे हो कि 12th हाउस में वर्गो चला गया, मतलब अब वो वर्गो वाला एलिमेंट है नहीं, लड़ाई झगड़े वाला एलिमेंट नहीं है, दुश्मन नहीं है। तो लिब्रा व्यक्ति के दुश्मन नहीं होंगे, ये भी याद रखो कि लिब्रा वाले को सब पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब ये एक क्योंकि लिब्रा पीपल प्लीजर बनता है। पीपल प्लीजर मतलब समझ रहे, क्योंकि सामने फोकस है ना, फोकस है तो व्यक्ति ध्यान रखता है उसका। इसीलिए कई बार तुमको स्ट्रांग लिब्रा होने पे ऐसे लोग एज अ प्रोफेशनल नर्स भी मिलते हैं, क्योंकि जो दूसरे का टेक केयर कर रहे हैं। और भी चीजें हैं, मतलब स्कॉर्पियो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहां से लिब्रा से तुम्हें वैसे जो टेक केयर करने वाले मिले, केयर टेकर मिले, ठीक है, जो तुम्हारे चीजों का ध्यान रखे, ये तुमको एक देखने को मिले, ठीक है। अब जब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो साइन है टॉरस 2 नंबर, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है 8th हाउस में। 8th हाउस 7th हाउस से 2nd हाउस बढ़ता है, 7th हाउस से 2nd हाउस में जाओगे तो 8th हाउस बन जाता है वहां पे टॉरस। तो यानी कि सामने वाली व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी अमानत को का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एक लिब्रा का गुण बनता है। मतलब कि लिब्रा वाले जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भैया ये हमारा सामान का ध्यान रखना, हम चले इधर जा रहे हैं, या हमारे घर का ध्यान रखना, हमारे इस चीज का ध्यान रखना, तो लिब्रा की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है हम ध्यान रखेंगे आपकी चीज सामान का ध्यान रखेंगे, ये एज अ पर्टिकुलर वो बनता है, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ समबडी अदर्स मनी। इसलिए इसीलिए तुमको जो लिब्रा के अंदर वो क्वालिटीज मिलेगी, जो लोन देना, लोन लेना, क्योंकि यू आर अगेन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2nd हाउस फॉर अदर पीपल, दूसरों लोगों के लिए, दूसरों लोगों के धन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, भैया ये पैसा मेरा रखे रहो, हम आएंगे लेके जाएंगे, ठीक है, मेरा ये पैसा तुम बचा के रखना, मैं आऊंगा। इसीलिए बैंकिंग लेंडिंग ये सब जो चीजें हैं तुमको लिब्रा में देखने को मिलेंगी। लिब्रा के साल में आएंगे लोग आपके पास, भैया ये पैसा तुम्हारे अकाउंट रखवा दे रहे हैं, अभी मेरे अकाउंट में सीज पड़ा हुआ है या कुछ इश्यू हो रखा है, वो आएंगे तुम्हारे पास। या फिर अपना कोई कीमती, भाई मेरा सोना रख लो, मेरा गहना रख लो, मेरा ये रख लो, तो लॉकर सिस्टम बना करके आप अपने पास दे सकते हो, है ना, ऐसा चीजें भी हो सकती। दूसरों की अमानत का रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये लिब्रा के अंदर एक क्वार्टर। तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, डिप्लोमेटिक है, पीसफुल है, शांति फैलाने का कर्म है, बहुत ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अच्छी है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है ऐसा व्यक्ति, लड़ाई झगड़ा नहीं है, दूसरा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस फॉर्म से लेता है, वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग दूसरों की अमानत का वो लेने के हिसाब से, ठीक है। अच्छा आप ये सोचो, अब एरीज लगन सोचो, एरीज लगन से अब लिब्रा को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लिब्रा को मैंने अंदर से मैं पढ़ाया, अब मैं लिब्रा को बाहर से पढ़ाऊं, ठीक है, बाहर से पढ़ाने का मतलब मैं अब उसको एरीज से देखू, एरीज से देखो लिब्रा 7th हाउस में डाला हुआ है। अब यहां से हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने, पहली बात तो ये कि लिब्रा तुमको मैंने बताया कि इज अ सेक्सुअल ऑर्गन को डिनोट करता है, ठीक है, तो इसीलिए 7th हाउस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें लोअर अपडोमन रीजन में आती, उनमें से सबसे पहला जो रीजन आएगा वो होगा किडनीज का। लिब्रा खराब होते ही सबसे पहला प्रॉब्लम आता है किडनी, लेकिन इसमें एक फर्क आएगा, वो फर्क आएगा कि गर्म प्लैनेट है कि ठंडा प्लैनेट। ठंडा प्लैनेट यानी कि जैसे शनि केतु, जब ये लोग की युति तुमको लिब्रा में मिलेगी तो ऐसे व्यक्ति को किडनी स्टोन्स बनाकर, ठीक है, ऐसे लोगों की किडनीज ब्लॉक्ड होंगी, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक्ड होंगी, ब्लॉकिंग मतलब, ठीक है, इश्यूज यहाँ पे ब्लॉकिंग से आएगा, तो यानी किडनी में स्टोन्स बनना, सैटर्न क्या है, सैटर्न पत्थर है, स्टोन्स है, जब सैटर्न लिब्रा में बैठा हुआ है और या केतु देख ले उसको या राहु देख ले उसको, तो वो स्टोन बना देगा किडनीज में, स्टोन रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। कोई और प्लैनेट जैसे कि गर्म प्लैनेट बैठे है ना, सन मार्स ऐसे, तो ये लोग किडनी को अब इफेक्ट नहीं करेंगे, इन द सेंस स्टोन नहीं बना सकते, तो ये लोग गर्म है ना, गर्म लोग कैसे स्टोन बनाएंगे, सैटर्न पत्थर है, ठीक है, सैटर्न को चाहिए, तो
तो गर्म प्लैनेट्स क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज देंगे, यूट्रस में जलन, टॉयलेट करने में जलन का इश्यू, ये सब इश्यूज तुमको इसमें मिलेंगे, पीसीओडी का प्रॉब्लम मिलेगा। हाँ,